दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स के बारे में जिसकी स्पीड को सिर्फ हाई डेफिनेशन कैमरा ही रिकॉर्ड कर सकते हैं और जिसने ये प्रूफ किया है कि एक इंसान चीते की रफ्तार से भी दौड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ उसेन बोल्ट की। पर दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस गाँव में उसेन बोल्ट का जन्म हुआ था उस गाँव में ना ही बिजली थी और पीने का पानी भी ना के बराबर था और उनका परिवार भी बेहद गरीब था। इसके बावजूद भी उसेन बोल्ट ने 3 ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीतकर ये साबित कर दिया कि अगर आपके अंदर दिल से कुछ कर जाने की ख्वाहिश है तो इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, ना तुम्हारी बुरी परिस्थितियां और ना ही तुम्हारी गरीबी। दोस्तों उसेन बोल्ट कहते हैं कि आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने कोच मिल्स की वजह से हूँ, क्योंकि उन्होंने ही मुझे एक लड़खड़ाते हुए तुच्छ से स्प्रिंटर से एक वर्ल्ड चैंपियन बनाया है जिसका आज भी पूरी दुनिया गुणगान कर रही है। क्योंकि जब उसेन बोल्ट रनिंग की ट्रेनिंग करते थे तो वो कितनी अच्छी रनिंग क्यों न कर लें, पर जब वो अपने कोच से पूछते थे तो उनके कोच कभी भी ये नहीं कहते थे कि इस बार तुमने काफ़ी अच्छी रनिंग की है। वो हमेशा कोई ना कोई कमी निकाल कर बोल्ट को और बेहतर करने के लिए बोलते थे। शायद एक कोच का यही काम होता है। उसेन बोल्ट के कोच मिल्स ये भी कहते हैं कि अगर आपको लंबा जीतना है तो सबसे पहले आपको छोटी छोटी हार को स्वीकार करना होगा, उन्हें पचाना होगा, मतलब उनसे सीखना होगा, इसके बाद ही आप एक चैंपियन बन सकते हो। जब 2004 के ओलंपिक में घुटनों में इंजरी होने की वजह से उसेन बोल्ट को ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया था, वो बिना दौड़े ही हार गए थे, पर उसेन बोल्ट को अपने कोच मिल्स की बात याद थी कि एक दिन चैंपियन बनने के लिए छोटी छोटी हार का सामना करना ही पड़ता है, और वो बिना कुछ सोचे ही अगले ओलंपिक के लिए तैयारी करने लगे। एक बार उसेन बोल्ट से किसी ने ये पूछा कि आप स्प्रिंटिंग को कितना आसान बना देते हो, जब मैं आपको दौड़ते हुए देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि स्प्रिंटिंग बेहद आसान है, पर रियलिटी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्प्रिंटिंग एक बहुत ही टफ कॉम्पिटिशन में से एक है। इस पर उसेन बोल्ट ने कहा, मैं आज जहाँ पर भी हूँ मुझे यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी मेहनत लगी है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क और कठिन ट्रेनिंग करनी पड़ी है, क्योंकि जब मैं कभी कभी सुबह उठता हूँ तो ये याद आता है कि आज तो बहुत ही टफ ट्रेनिंग है इसलिए नहीं जाता हूँ, पर मुझे ना चाह कर भी जाना पड़ता है, फिर मैं अपनी ट्रेनिंग को कम्प्लीट करता हूँ, क्योंकि ट्रेनिंग करना रनिंग करने से काफ़ी डिफिकल्ट होता है, फिर भी मैं अपनी ट्रेनिंग को कभी भी मिस नहीं करता। और शायद इसी वजह से उसेन बोल्ट 9 साल तक टॉप पर रहे। उसेन बोल्ट कहते हैं कि अगर आपको किसी भी गेम को जीतना है, फिर चाहे वो रनिंग हो या कुछ और, तो सबसे पहले आपको मेंटली स्ट्रांग और पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी आप एक कॉम्पिटिशन को जीत सकोगे। क्योंकि जब मैं रनिंग करने के लिए ट्रैक पर उतरता हूँ तो अगर कोई प्लेयर जो मुझसे बेहतर है वो मेरे बगल में है तो मैं उससे हारने के बारे में नहीं सोचता। हो सकता है कि आज का दिन उस प्लेयर के लिए बुरा दिन हो और मैं उससे कम बेहतर होते हुए भी जीत जाऊं, इसलिए मैं हर एक कंपटीशन में अपने माइंड को पॉजिटिव और स्ट्रांग रखता हूं, और एक खिलाड़ी की जीत के लिए ये बहुत ही ज़रूरी होता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे उसेन बोल्ट के बारे में कुछ ऐसी बातें जो शायद ही आपने सुनी होगी। आपने उसेन बोल्ट को कई बार इस पोज में देखा होगा, ये उसेन बोल्ट का विनिंग पोज है। वो किसी भी कंपटीशन को जीतने के बाद कुछ इस प्रकार पोज करते हैं, और ये उसेन बोल्ट का विक्ट्री पोज है, और इस पोज के लिए उसेन बोल्ट आज भी काफ़ी फेमस हैं। बीजिंग ओलंपिक 2008 में उसेन बोल्ट ने 100 मीटर की रेस को 9.69 सेकेंड में जीत कर रिकॉर्ड ब्रेक किया था, पर रनिंग करते समय उनके शू लेस ढीले थे। पर अकॉर्डिंग टू स्टडी यूनिवर्सिटी ऑफ ओस्लो, अगर बोल्ट के शू लेस बंधे होते तो बोल्ट ये रिकॉर्ड 9.60 सेकंड में तोड़ देते। उसेन बोल्ट का जन्म जैसे स्पोर्ट के लिए हुआ था, उनकी स्पोर्ट की फर्स्ट चॉइस क्रिकेट थी। बचपन में वो अपने भाई के साथ गांव की गलियों में क्रिकेट खेला करते थे, पर अपने क्रिकेट कोच की सलाह पर उन्होंने रनिंग करना स्टार्ट किया और उसी में अपना करियर बनाया। उसेन बोल्ट कहते हैं कि अगर आज मैं एक स्प्रिंटर ना होता तो एक बहुत ही अच्छा बॉलर होता। तो हे दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।
मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दिस इज द ब्राइट मून पॉर, सी यू सून गाइस।